हे एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम सिविक्स के एमसीक्यू लाए हैं चैप्टर पावर शेयरिंग के। इससे पहले हमने हिस्ट्री के भी एमसीक्यू अपलोड कर दिए वीडियो, ज्योग्राफी के, एग्रीकल्चर और रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के भी वीडियो अपलोड कर दिए। तो ये सिविक्स का है चैप्टर पावर शेयरिंग। तो चलिए देखते हैं इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम अमेंडेड बिटवीन 1970 एंड 1993। कितने टाइम्स में हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम, कितने बीच में, 1970 और 1993 के बीच में। फोर टाइम्स हुई थी, टू टाइम्स हुई थी, वन टाइम्स हुई थी या थ्री टाइम्स हुई थी। तो इसका सही आंसर है ए, फोर टाइम्स हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू। इन बेल्जियम स्टेट गवर्नमेंट आर डैश टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या रूल है उसके साथ? तो उसके जो एमसीक्यू है वो है सबऑर्डिनेट है, सुपीरियर है, इक्वल है या नॉट सबऑर्डिनेट है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, यानी सबऑर्डिनेट है। ओके, क्वेश्चन नंबर थ्री। ब्राज़ील हैज़ अ सेपरेट गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव डैश रिप्रेजेंटेशन। जो ब्राज़ील एक सेपरेट गवर्नमेंट है, इसमें दोनों कम्युनिटी का रिप्रेजेंट कौन है? तो फर्स्ट कैसा है, इक्वल है, डिफरेंट है या वेरियस है या नन ऑफ द अबव है? तो इसका सही आंसर है इक्वल है, बराबर है। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इन बेल्जियम देयर इज अ डैश थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट नोन एज। बेल्जियम में जो तीसरी गवर्नमेंट है वो क्या है? बेल्जियम में क्या है जो तीसरी गवर्नमेंट है, उसको क्या कहा जाता है? कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा जाता है, मेजोरिटी गवर्नमेंट कहा जाता है, पीपल्स गवर्नमेंट कहा जाता है या सोशल गवर्नमेंट कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है कम्युनिटी गवर्नमेंट कहा जाता है, यानी बेल्जियम में जो तीसरी सरकार है वो तीसरी सरकार किस चीज़ की होती है? कम्युनिटी गवर्नमेंट की होती है, यानी ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है? कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू विच लैंग्वेज। कौन इलेक्ट करता है कम्युनिटी गवर्नमेंट को? इसके ऑप्शन है डच, स्पैनिश, हिंदी। ऑप्शन बी है इसका डच, फ्रेंच, जर्मन। थर्ड है इसका जर्मन या फ्रेंच, या फोर्थ है इसका डच एंड फ्रेंच। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी डच, फ्रेंच, जर्मन। ये तीनों ही लैंग्वेज के लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट को क्या करते हैं? इलेक्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में पूछा गया है, कम्युनिटी गवर्नमेंट हैज़ अ पावर रिगार्डिंग। क्या राइट, क्या पावर है कम्युनिटी गवर्नमेंट के? फर्स्ट है कल्चरल, एजुकेशनल एंड एनवायरमेंट इशू। सेकंड है लैंग्वेज रिलेटेड इशू। थर्ड है कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। या फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, यानी कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर सेवन। सेवन में पूछा गया है, यूरोपियन यूनियन हेडक्वार्टर्स आर इन। ईयू के हेडक्वार्टर कहाँ है? ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? फर्स्ट जिनेवा में, सेकंड बेल्जियम में, थर्ड ब्राज़ील में या फोर्थ ढाका में? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, यानी ब्राज़ील में ईयू के, यानी यूरोपियन यूनियन के हेडक्वार्टर है। ओके, क्वेश्चन नंबर एट। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स में लुक लाइक एन अट्रैक्टिव ऑप्शन इन द डैश। यानी कि मेजॉरिटी कम्युनिटी या माइनॉरिटी के ऊपर अपनी बातों को थोप देती है। जो मेजॉरिटी का जो कम्युनिटी होती है वो क्या करती है? वो जो माइनॉरिटी वाली कम्युनिटी होती है उसके ऊपर ही अपने बातों को थोप देती है कि नहीं, अगर तुम्हें ऐसा करना है तो ऐसा ही करना है, मतलब हम जो बोल रहे हैं वैसे ही करना है। ये एक अच्छा ऑप्शन लगता है, शॉर्ट रन है या लॉन्ग रन है या फॉरएवर है या नेवर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शॉर्ट रन है। ओके, क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन में पूछा गया है, वन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट डैश आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। मेन सोर्स के हमारी पॉलिटिकल पार्टी की बतानी है, जो मेन सोर्स है हमारी पॉलिटिकल पार्टी की वो क्या है? फर्स्ट पीपल है, स्टेट है, गवर्नमेंट है या सेंट्रल है? तो उसका जो हमारा जो मेन सोर्स है हमारी पॉलिटिकल पार्टी की वो क्या होती है? पीपल होती है, यानी ऑप्शन ए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर टेंथ इज, पावर शेयरिंग इज अ वेरी स्प्रिट ऑफ।
डैश। इसके ऑप्शन है डेमोक्रेसी, फिफ्थ जो बी ऑप्शन है उसका है मोनार्जी, थर्ड है डिक्टेटरशिप, एंड डी है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो इसका सही आंसर है डेमोक्रेसी, यानी ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 11th, 11th में पूछा गया है, इन इंडिया रीजनल गवर्नमेंट इज कॉल्ड, इंडिया में हिंदुस्तान में रीजनल गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बोलते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं, या यूनियन गवर्नमेंट बोलते हैं? तो हिंदुस्तान में रीजनल गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं? स्टेट गवर्नमेंट बोला जाता है, यानी इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, 12 में पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉलिएशन गवर्नमेंट इज ट्रू? कॉलिएशन गवर्नमेंट के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है, जो कि चार ऑप्शन बताए गए हैं, उसमें से जो सही है उसको हमें आंसर बताना है। फर्स्ट, पावर शेयर, पावर इज शेयर बाय डिफरेंट सोशल ग्रुप। सेकंड, पावर इज शेयर बाय टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, या पावर इज शेयर अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, या डी है पावर इज शेयर बाय गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। तो क्या है इसका सही आंसर है? ऑप्शन बी, यानी पावर इज शेयर बाय टू और मोर पॉलिटिकल पार्टीज, यानी गठबंधन की सरकार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, पावर कैन बी शेयर इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन दी फॉलोइंग वेव्स, कैसे फॉर्म में पावर शेयर हो सकती है? ए अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप, बी अमंग वेरियस लेवल, सी अमंग ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, या डी ऑल ऑफ द अबव। यानी इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव, यानी सब पे। कैसे फॉर्म पे पावर शेयर हो सकती है? ये तीनों ही जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? 14 में पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट स्पोकन इन बेल्जियम? कौन सी लैंग्वेज है जो बेल्जियम में नहीं बोली जाती? फ्रेंच नहीं बोली जाती, डच नहीं बोली जाती, जर्मन नहीं बोली जाती, या दानिश नहीं बोली जाती? तो इसका सही आंसर क्या है? दानिश नहीं बोली जाती। बाकी तीनों लैंग्वेज क्या है? बेल्जियम में बोली जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, 15 में पूछा गया है, व्हाट वाज नॉट इंक्लूडेड ओरिजिनली इन द डिमांड ऑफ श्रीलंका तमिल्स? कौन सी डिमांड उन्होंने नहीं करी थी? फर्स्ट, रीजनल ऑटोनॉमी, बी डिमांड फॉर तमिल ऑफिशियल लैंग्वेज, सी इक्वालिटी इन एजुकेशन जॉब, ये भी सही है, या फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। कौन सी डिमांड उन्होंने नहीं रखी थी श्रीलंकन तमिल ने? वो थी ऑप्शन बी, डिमांड फॉर तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज। बाकी जो दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, वो उन्होंने डिमांड रखी थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डिड द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड फॉर? यानी कि जो श्रीलंका में कॉन्स्टिट्यूशन बन रही थी वो क्या शो कर रही थी? ए स्टेट शैल प्रोफेगेट हिंदुज्म, यानी हिंदू को प्रोटेक्ट कर रहे थे। बी स्टेट शैल प्रोटेक्ट तमिल सिटीजन, यानी तमिल को प्रोटेक्ट कर रहे थे। थर्ड, स्टेट शैल बी प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म, यानी बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट कर रहे थे। या डी नन ऑफ दीज। तो जो यानी कि जो श्रीलंका में कॉन्स्टिट्यूशन बन रही थी तो वो किसको शो कर रही थी? वो शो कर रही थी ऑप्शन सी को, यानी बुद्धिस्टम को शो कर रही थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 क्या पूछा गया है? 17 में पूछा गया है, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज, क्यों है अच्छी पावर शेयरिंग? इसका हमें मतलब बताना है। फर्स्ट, इट इंक्रीज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। सेकेंड, इट इंश्योर द इंस्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। सी इट लीड्स द वायलेंस, या डी इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, इट रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18, बाय सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वॉज मेड बाय तमिल, तमिल ने अपनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाने कब स्टार्ट की थी? 1980 में, 1970 में, 1869 में, या 1989 में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1980 में तमिल ने क्या करी थी? अपनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनानी स्टार्ट कर दी थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? 19 में ये पूछा गया है, डैश परसेंटेज ऑफ मेजर सोशल ग्रुप्स आर सिन्हाला स्पीकर्स इन श्रीलंका, कितनी परसेंटेज है जो सिन्हाला स्पीकिंग है श्रीलंका में? तो ए 60%, बी 72%, सी 92%, या फोर्थ 74%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन फोर्थ 74%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
ट्वेंटी बेल्जियम शेयर्स बॉर्डर विद विच कंट्रीज, कौन सी कंट्री के साथ बेल्जियम अपने बॉर्डर को शेयर करता है, यानी बेल्जियम के जो बॉर्डर्स हैं उसको हमें बताना है कि वो किस किस कंट्री के साथ शेयर करता है, जैसे इंडिया भी करता है किसके साथ, जैसे चाइना हो गया इनके साथ, तो वैसे ही बेल्जियम किसके साथ शेयर करता है। तो फर्स्ट है फ्रांस, ब्रिटेन या स्कॉटलैंड, सेकंड है फ्रांस या जर्मनी, थर्ड है फ्रांस, नीदरलैंड या जर्मनी, लक्जमबर्ग, या डी है फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अमंग द टोटल पॉपुलेशन परसेंटेज लिव इन फ्लैमिश रीजन, जो कितनी पॉपुलेशन है फ्लैमिश रीजन में रहती है, तो 59% रहती है, 89 रहती है, 99 रहती है, या 88 रहती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी 59% पॉपुलेशन फ्लैमिश रीजन में रहती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। विच लैंग्वेज इज स्पोकन बाय पीपल लिविंग इन फ्लैमिश रीजन, कौन सी भाषा बोलते हैं फ्लैमिश रीजन के, तो फ्रेंच बोलते हैं, डच बोलते हैं, स्पैनिश बोलते हैं, या इंग्लिश बोलते हैं। तो इसका सही आंसर है डच बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। जर्मन पॉपुलेशन कॉम्प्रोमाइज ऑफ डैश परसेंटेज, जो जर्मन पॉपुलेशन की कितनी परसेंटेज है, यानी जर्मन पॉपुलेशन कितनी है वो हमें बतानी है, 9% है, 1% है, 8% है, या 3% है। तो इसका सही आंसर है सिर्फ 1% ही जर्मन पॉपुलेशन है, तो ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इन द कैपिटल सिटी ब्राज़ील डैश परसेंटेज पीपल स्पीक फ्रेंच, ब्राज़ील के कैपिटल में कितने परसेंटेज लोग फ्रेंच बोलते हैं, तो इसका सही जो आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, यानी 80। तो इसमें ऑप्शन दे रखे 80, 40, 90, 99, तो आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 80, यानी ऑप्शन ए, 80% लोग क्या करते हैं ब्राज़ील में फ्रेंच बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। 25 में पूछा गया है डैश परसेंट आर डच स्पीकिंग इन कैपिटल सिटी ब्राज़ील, अब इसमें ये पूछा गया है कि कितने परसेंटेज डच स्पीकिंग थी कैपिटल ब्राज़ील में। अभी इससे पहले जो 24 क्वेश्चन था उसमें ये पूछा गया था कि ब्राज़ील के कैपिटल में कितने परसेंटेज पीपल फ्रेंच बोलते थे, और इसमें ये पूछा है कि डच स्पीकिंग थी कैपिटल ब्राज़ील में वो कितनी परसेंटेज है, तो ये है ऑप्शन पूछा है, बोला गया है 90, 20, 88 या 99, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 20, यानी 80% लोग फ्रेंच और 20% लोग डच। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। विच कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल, कौन सी कम्युनिटी पावरफुल भी है और रिच भी है, फर्स्ट जर्मन स्पीकिंग, सेकंड इंग्लिश स्पीकिंग, थर्ड फ्रेंच स्पीकिंग, फोर्थ डच स्पीकिंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्रेंच स्पीकिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन वॉज तमिल स्पीकिंग, कितनी प्रतिशत थी जो तमिल बोला करते थे, तो उसमें है 18% बोला करते थे, 7% बोला करते थे, 9% बोला करते थे, या 11%। तो इसका सही आंसर है ए 18%, यानी 18%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री वर नोन एज, तमिल नेटिव का क्या मतलब होता है, वो तमिल जो श्रीलंका में ही रहा करते हैं, जिनके फोर फादर्स वहाँ पर ही रहते थे, उनको अहम क्या बोलते हैं, तो इसके ऑप्शन है श्रीलंकन तमिल बोलते हैं, बी हिंदू तमिल बोलते हैं, थर्ड सिख तमिल बोलते हैं, या फोर्थ इंडियन तमिल बोलते हैं। तो इसका सही आंसर है उनको श्रीलंकन तमिल बोलते हैं, ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है श्रीलंका इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन डैश, कौन से ईयर में श्रीलंका एक इमर्ज कंट्री बन गया, उस ईयर का बताना है, 1986 में बना, 1944 में बना, 1948 में बना, या 1949 में बना। तो सही आंसर है 1948, यानी ऑप्शन सी, यानी जो श्रीलंका एक इमर्ज कंट्री बना वो कब बना था, 1948 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर डैश, तमिल कौन थे, हिंदू और मुस्लिम थे, क्रिश्चियन एंड हिंदू थे, या बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम थे, या बुद्धिस्ट एंड हिंदू थे। तो जो मोस्ट ऑफ द तमिल
कौन थे? ऑप्शन ए हिंदू और मुस्लिम थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 31 में ये पूछा गया है, मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर, सिन्हाला स्पीकिंग पीपल का कौन सा रिलीजन है? हिंदू है, बुद्धिस्ट है, मुस्लिम है या तमिल है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, सॉरी ये गलत है इसमें लिखा हुआ। इसका जो सही आंसर है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी बुद्धिस्ट थे। जो सिन्हाला स्पीकिंग पीपल थे उनका जो रिलीजन था वो क्या था? बुद्धिस्ट। तो प्लीज़ आप इसको क्वेश्चन नंबर 31 को इसको सही कर लेना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी बुद्धिस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है, श्रीलंकन तमिल वर्ड कॉन्सेंट्रेटेड इन विच रीजन? तो इसका जो जो ऑप्शन है वो है नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ साउथ या वेस्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नॉर्थ ईस्ट, यानी ऑप्शन ए। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है, व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन क्रिश्चियन श्रीलंका? क्रिश्चियन श्रीलंका की परसेंटेज यानी पॉपुलेशन कितनी थी? 7%, 8%, 9% या 4%? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 7%। ओके, चलिए देखते हैं हम लास्ट को। ओहो, ओके, इसमें 33 है तो क्वेश्चन नंबर ये 34 है। प्लीज़ फिर से मिसप्रिंट हुआ है तो आप इसको इग्नोर करिए और ये देखिए कि ये क्वेश्चन नंबर 34 है। तो क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है, तमिल हुज फोर फादर्स केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड नोन एज, जब ब्रिटिश हम पर राज्य कर रहे थे, तो इंडिया के जो तमिल लोग जो श्रीलंका गए थे उनको क्या बोला जाता था? श्रीलंकन तमिल बोला जाता था, मुस्लिम तमिल बोला जाता था, हिंदू तमिल बोला जाता था या इंडियन तमिल बोला जाता था? तो इसका सही आंसर है इंडियन तमिल बोला जाता था। जब क्या कर रहे थे? ब्रिटिश लोग हम लोगों पे राज कर रहे थे, तो जो इंडिया के जो तमिल्स लोग थे ना वो कहाँ चले गए थे? वो श्रीलंका चले गए थे। तब श्रीलंका में उनको बोला जाता था ये लोग इंडियन तमिल्स हैं। तो ये थे MCQ पावर शेयरिंग चैप्टर के, और आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे। और प्लीज़ अगर अच्छे लगे होंगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल में आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो नेक्स्ट वीडियो सिविक्स के ही नेक्स्ट चैप्टर की आएगी ही, जिसमें फिर से MCQ ही होगा। हाँ, और आई होप आपको ये सब पसंद आया होगा। तो प्लीज़ थैंक यू।